ये है धमेक स्तूप। ये स्तूप खास है, खास इसलिए है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पहले पहल यहाँ पर उपदेश दिए थे और ये उपदेश अपने मित्रों को दिए थे, साथ ही साथ अपने अनुयायियों को दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऊंची इमारत बनी हुई है। और स्तूपों की अगर हम बात करें तो चार तरीके के स्तूप होते हैं। वो स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हों या उनके शारीरिक अवशेष रखे हों, वो स्तूप। दूसरा स्तूप जिसको हम कहते हैं उद्देशिका स्तूप, यानी जहाँ पर कोई घटना हुई हो वहाँ पर कुछ इस तरीके का स्तूप बनाया जाए, इस तरीके की इमारत बनाई जाए। और अगर हम उसकी बात करें तीसरे स्तूप की, पारभौतिक, मतलब ऐसे लोग जिससे कहीं कुछ ऐसी चीज हुई हो जिसको दिखाने के लिए आप उस जगह पर कोई स्तूप बनाएं। और चौथा स्तूप यानी मनौती स्तूप, यानी किसी ने कोई मन्नत मांगी, कोई उसकी हम कह सकते हैं कोई ख्वाहिश पूरी हुई, उसके बाद जो छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते हैं उसको मनौती स्तूप बोलते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये उद्देशिका स्तूप है, यानी यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिससे तमाम अनुयायी उनके बढ़ते चले गए। अगर यहाँ की हम बात करें, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये स्तूप बनाया गया। तो जब शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में ये स्तूप छोटा था, बाद में तमाम राजवंश इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते गए। और यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो सामने बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अपने आप में खास है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ज़मीन से इसकी ऊंचाई 33 मीटर से ज़्यादा है। और ये 33 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई अगर हम इसके अंदर की भी बात कर लेते हैं तो तकरीबन 39.05 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पच्चीकारी की गई है, बाहर से पत्थर लगाए गए हैं। और ये जो वर्तमान स्वरूप है ये गुप्त काल का स्वरूप है और इसमें अलग अलग राजाओं ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम्राट अशोक से लेकर सुंग वंश और उसके बाद गुप्त वंश तक का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये इमारत अपने आप में खास है, अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि बुद्ध धर्म किस तरीके से पला बढ़ा। और सारी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो देश में इस तरीके के तमाम स्तूप बने हुए हैं। और जो शुरुआती स्तूप थे उसमें हम कह सकते हैं 8 ऐसे स्तूप थे जिनको बनाया गया था। और उसके बाद 7 स्तूपों से जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उनको निकालकर सम्राट अशोक ने पूरे देश के अंदर 84,000 इस तरीके के स्तूप बनाए थे, जिनका साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमारत अपने आप में खास है। अपने आप में खास ये है क्योंकि ये भारत के उस पुराने अतीत को दिखाती है, इसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये इमारत लंबे समय के बाद इसमें तमाम टूट फूट हुई है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरीके की इसमें पच्चीकारी है, मीनाकारी है, पत्थर लगाए गए हैं। पत्थरों में देख सकते हैं आप कि इसमें तमाम जीव जंतुओं को भी दिखाया गया है, साथ ही साथ इसमें कमल को भी दिखाया गया है। तो इस तरीके की तमाम जानकारी इसके अंदर मौजूद है और ये बताती है कि बौद्ध धर्म कैसे फला फूला। और इस जगह की अगर हम बात करें, सारनाथ की बात करें, तो सारनाथ का एक खास स्थान है बौद्ध धर्म में। क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि जब महात्मा बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यानी जब उनको ज्ञान मिल गया, उसके बाद वो अपने मित्रों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए। उन 5 मित्रों को जिन्होंने जब उन्होंने सुजाता की खीर खाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे इसने तो इसका पथ भ्रष्ट हो चुका है, ये सही नहीं है। इस चीज को जिन लोगों ने सामने रखा और महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था, भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया था, उनसे मिलने के लिए खुद यहाँ पर भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध जब यहाँ पर पहुंचे तो चौखंडी के पास में एक जगह थी जहाँ पर वो 5 लोग उन्हें मिले। लेकिन जब वो मिले तो उनका व्यवहार बदला हुआ था और महात्मा बुद्ध के जो पर्सनालिटी थी उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद जो पहला उपदेश दिया गया वो इसी जगह पर दिया गया और उसी के हम कह सकते हैं स्मरण में या उसका एक स्मारक बनवाया गया जो आपके सामने है। इसको धमेक स्तूप बोलते हैं। धमेक स्तूप यानी धर्म चक्र प्रवर्तन की जगह है ये। इसके एक सबसे खास चीज ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार इसी जगह से शुरू हुआ था। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सारनाथ।